नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पीके राज ब्लॉग में। दोस्तों आज हम लोहारू में हैं, हरियाणा में, और यहाँ पर एक काफ़ी शानदार जो गोट फार्म है वो हम विजिट करेंगे। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम पवन है भाई। पवन है सर। हाँ, एड्रेस क्या है यहाँ का? गाँव फरटिया, तहसील लोहारू, जिला भिवानी। जी जी जी। कितने है आपके पास में गोट वगैरह अभी? लगभग 150 के करीब है। 150 के करीब प्लस है। फार्म तो काफी अच्छा बना रखा है सर। हाँ जी, अभी विजिट करेंगे, पूरी डिटेल से हम बताएंगे। हाँ जी। तो सर जी, ये विचार कब आया आपके माइंड के अंदर? ये 2 साल से लगभग। अच्छा। हाँ जी। तो हरियाणा में तो सर भैंस वगैरह का काफी क्रेज रहता है सर। ये कुछ अलग करने का मन में था, इसलिए हमने अलग किया इस सब कुछ ये छोड़ के। गाय भैंस तो सब रखते हैं, गाय भैंस हम भी रख रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये गोट फार्मिंग का अलग से कुछ करने का था। अच्छा, कुछ अलग करने का था। हाँ जी। उसके अंदर भैंस से आप गोट फार्मिंग के अंदर आए हो, तो क्या कारण रहा सर, आप कुछ बता सकते हैं? ये सर गाय भैंस में मेहनत ज्यादा है। जी जी। बाहर भीतर वगैरह वगैरह जो काम करते हैं उनमें ज्यादा है, और इसमें ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है। अगर बंदा सही चाहे तो 2 घंटे सुबह शाम करके, और अच्छे से अगर करना चाहे तो 2 घंटे में भी बहुत अच्छा काम हो जाता है इसमें। अच्छा। कपास का अगर वेस्टेज बचता है तो हमारे यहाँ कपास का ये वेस्टेज को ये खा लेती है। अच्छा, और कौन सा वेस्टेज है जो ये बकरी खा लेती है अपने खेतों के अंदर से? जैसे गेहूं का भूसा बच गया, थोड़ा बहुत नीचे बाली बच गई, जो मशीनों से काम होता है सारा, तो उसका वेस्टेज जो बचता है तो उसको ये यूज करती है। अच्छा। और दूसरी चीज है कि इसके अंदर जो आदमी लगते हैं, जैसे काम करने वाले लगते हैं। हाँ जी, लेबर लग रहे हैं। लेबर लगती है। हाँ जी। उसके अंदर और इसमें क्या फर्क आ जाता सर? इसमें वैसे कोई फर्क नहीं है, लेबर तो घर का काम जो कर रहे हैं ना वो बंदे भी कर सकते हैं, लेकिन हमने भी ये लेबर रख रखी है, उसको कोई ज्यादा फर्क वाली बात नहीं है भाई। अपनी सेफ्टी के लिए कर रहे हैं, हम खुद काम नहीं करेंगे तो लेबर से करवा लेंगे, ये काम हो जाता है। उसमें ज्यादा लगती है लेबर या उसमें ज्यादा लगती है जो? हाँ जी। और रोज का भी है, रोज धूना करना, बिल्कुल बिल्कुल कुछ ज्यादा है इसमें। 2 घंटे काफी है, उसमें इतना नहीं है जो कि 2 घंटे में जो हो पाए। उसका गोबर उठाना है और कुछ करना है, वो 2 घंटे में नहीं हो पाएगा। अच्छा। हाँ, तो उसके अंदर दिन भर करना पड़ता है? बिल्कुल दिन भर करना पड़ता है, कम से कम ये मानो 8 घंटे तो करना ही करना पड़ेगा उसमें। करना पड़ेगा। अभी चारा खिलाना है, उसको खाया है नहीं खाया है और कुछ उसमें बहुत वो है। अच्छा, बंटा वगैरह देना। हाँ जी, दवाई वगैरह खाया काफी वो कुछ तो हम इसमें भी कर देते हैं, इसमें भी करते हैं बार बार। हाँ, इसमें जो खसी बच्चे हैं इनके लिए करते हैं, बकरियों को भी खिलाते हैं। अच्छा। बट्टा वगैरह तो इनके लिए भी करते हैं, सूखा दाना हम नहीं देते। अच्छा। फीड में तो मतलब आपको लगा कि काफी बेनिफिट है इसके? हाँ जी, इसमें टाइम कम है चाहिए। अच्छा, टाइम कम चाहिए। हाँ। तो कितने 2 साल हो गए आपने जैसे अभी? जैसे हमने 1.5 साल हुआ, प्लान 2 साल से था, 1.5 साल क्लियर हो चुका है हमें। अच्छा। हाँ, तो इसके अंदर 2 साल के अंदर का क्या एक्सपीरियंस रहा आपको, कुछ लगा कि बेनिफिट होगा आपको? बिल्कुल बेनिफिट होगा सर, इसमें कोई रोकने वाला ही नहीं है। अच्छा। अगर टाइम टू टाइम संभालेंगे तो कोई भी नहीं है। तो ट्रेनिंग वगैरह लिए हैं या सर आपने? खुद से किया है, किसी से ट्रेनिंग नहीं ली। अच्छा, और गाय भैंस तो वैसे ही पालते हैं? बिल्कुल तो है ही सर, ना? पशु का तो नॉलेज था ही सर इसमें। बिल्कुल, बिल्कुल। हमें तो सर एक मेन चीज है सर, आप इसमें फार्मिंग में शिफ्ट हुए हो। हाँ जी। तो इसके अंदर कुछ तो आपको लगा होगा यार, ये चीजें तो ध्यान रखनी पड़ेगी आपको, नहीं तो नहीं कर सकते, ऐसा कुछ लगा? ध्यान तो ऐसा है, जैसे बीमारी है उन पशुओं के प्रति बीमारी अलग आती है, अलग आती है, ये ध्यान रखना पड़ता है। ये मतलब देखा भी है, हमारे आगे आई भी तो हमने खुद से भी देखा है करके, आगे जैसे आती गई जो बीमारी कोई दिक्कत, वैसे वैक्सीनेशन हम प्रत्येक चीज की पहले करवाते हैं। जैसे जरूरी होती है, ये घूमते फिरते ही हो जाते हैं सर। अच्छा, वो देखना जरूरी होता है। हाँ, देखना है, निगाह में रखना जरूरी है, कोई भी चीज निगाह में रखना जरूरी है। ये बहुत इम्पोर्टेंट आपने बात कही है। इसमें क्या प्लानिंग रही है आपकी की, मतलब कौन सा सेल करना चाहते हैं? सेल सर हम तो खस्सी के ऊपर ज्यादा काम कर रहे हैं। अच्छा, खस्सी को? हाँ जी, जो खस्सी बच्चे हैं उनके ऊपर ज्यादा काम करें, बकरियां उसी के लिए हैं, खस्सी बच्चे बाहर से नहीं लाने पड़े। अच्छा। बाहर से अगर मार्केट से खरीद के लेके आएंगे, ये फर्स्ट टाइम था हमने बाहर से खरीद के देखे थे, लेकिन अब की बार हम बच्चे हमारे खुद के फार्म से तैयार करेंगे। अच्छा अच्छा। हाँ जी, दूर मंडियों में भाग के उससे कोई फायदा नहीं है। तो सेलिंग में प्रॉब्लम आती है सर या? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती इस चीज में। तो सर जी हम देखेंगे आपका, बिल्कुल आओ। कितने एरिया में है सर जी ये अपना? ये लगभग 1 एकड़ में है सर। अच्छा। और ये जो आपने ये फार्मिंग का जो आपने सेटअप बनाया है? हाँ जी। तो अभी मतलब कम खर्चे वाला सेटअप लग रहा है सर? हाँ जी, कम। आपने काफी कुछ इन्वेस्टमेंट कर दिया हो? नहीं, ज्यादा कुछ नहीं किया हुआ है। हाँ जी। और
गोट पे आपने कितने रखे हैं? मतलब 200-250 गोट हैं, 150 के करीब। 150 के करीब। हाँ जी। इसके अंदर कौन कौन सी ब्रीड रखी है सर जी? हमने सोजत रखी है और ये गुजरी है, एक बीटल है। अच्छा, ये मिक्स में भी है लग रहे हैं सर इसके अंदर, जैसे वो हैदराबादी। हाँ, हैदराबादी है, हैदराबादी सोजत है। काफी शानदार है सर, जैसे ब्रीडर दिख रहा है, काफी शानदार है। एक एक की डिटेल लेंगे। हाँ जी। और उधर से ये गुजरी का है। हाँ जी, ये गुजरी का है, बीच में इस साइड सोजत का है, उस साइड अपना वो है, वो बीटल का है। अच्छा। हाँ जी। पहले हम फीमेल का देख लेते हैं सर जी। ठीक है। उधर की काफी शानदार बकरियां जो है दिख रही है, तो वो डिटेल लेते हैं एक बार। अच्छा, उधर बीटल है ना? हाँ जी, वो बीटल है, ये अपना गुजरी का ब्रीडर है, ये बकरियां हैं गुजरी की। हाइट काफी शानदार है सर जी इसकी। हाइट 43 प्लस है सर इसकी, कहने वाले तो प्लस। हाँ, 43 प्लस, 43 प्लस। वेट क्या हुआ सर जी इसका? इसका फिलहाल 95 केजी है। 95 है ना? हाँ जी। अच्छा, कितने दांत का है? ये 6 दांत है सर। 6 दांत का। हाँ जी। अच्छा, कब से ब्रीडर, कब से आपके पास? ये बचपन से है, ये किसी यार दोस्त के पास था, उसके पास से मैं लेके आया था। हाँ जी। तो इसके रिजल्ट भी है आपके पास में? रिजल्ट यहाँ नहीं है, इसके अभी आए नहीं है, इसके यहाँ तो मेरे घर पे है। अच्छा अच्छा। हाँ। तो और ये कितने है? ये लगभग 55 के करीब है गुजरी। ये बकरियां कितने साल से टाइम से? ये अपने पास 1.25 साल से लगभग है, यानी कि 14-15 महीने से। अच्छा अच्छा। ये शूट नहीं करा क्या इनको कुछ? नहीं, शूट शूट नहीं करा क्या? फीड नहीं, एक बार ये जैसे पीछे हो गई थी दिक्कत इसमें, और वो अब सुधार में आई है। अच्छा अच्छा। हाँ जी। फूड पॉइजन की दिक्कत थी इसमें, इसमें कुछ हो गई थी ऐसी, अब बिल्कुल ठीक है। ये मतलब फीड का चारा क्या खिलाते हैं आप? चने का भूसा है, नार गुआर का जो भूसा है वो सूखा वो देते हैं। कौन से? ये 4 दांत है। ये 4 दांत है। हाँ जी। अच्छा, और ये वाली कौन सी? ये 3 दांत में, 4 दांत हो जाएगी अब। अच्छा, 4 दांत हो जाएगी। हाँ जी। अच्छा अच्छा, फ्रेश 4 दांत कर दिया ना? हाँ जी, फ्रेश 4 दांत। ये वाली? ये भी 4 दांत में है। ये 4 दांत है। हाँ, ये भी है। एक बकरी है इसमें, वो परली साइड बैठी, वो 8 दांत है। अच्छा। हाँ, बाकी कोई 6 दांत है, कोई 4 दांत है। हाँ, 6 से 4 दांत है। हाँ जी। ऐसे दांत तो कोई इशू नहीं करता है। हाँ जी। मतलब 10 साल के आसपास तक ये मतलब दे देती है। बिल्कुल। हाँ। ये काफी शानदार बकरी है आपके पास, दिखाना। तो इनके बच्चे भी हैं क्या? हाँ जी, बच्चे हैं, ये रहे अपने पास, ये हैं, ये बैठे। ये इन्हीं के हैं क्या? हाँ जी, ये इन्हीं के हैं। अच्छा, ये भी इन्हीं का है? हाँ, ये भी इन्हीं का है। और ये वाले ये बैठे हैं, ये भी इन्हीं के। चलो और अंदर देख लेते, ये वाली भी देख लेते। ये आ जाओ, इधर से आ जाओ, सोचे तो वाले इधर से आओ।